जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स प्लेटफॉर्म पे। मैथ्स प्लेटफॉर्म आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो को लाया है जो आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। और हमारे चैनल में जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं, आप लोग को सीख बहुत अच्छी तरह से मिलेगी। हमारे यहाँ मैथ्स प्लेटफॉर्म पे जो भी वीडियो डाला जाता है काफी सीख वाली वीडियो डाली जाती है। आपका यदि किन्हीं का आपका हो या तो फिर किन्हीं का हो, यदि मैथ्स यदि कमजोर है तो आप लोग मैथ्स से डरिए नहीं। मैथ्स का एकमात्र सोल्यूशन है उससे मुकाबला करना। आप लोग मैथ्स के बारे में सोचते हैं यदि कि हार्ड है तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा चीज है जिसमें आप लोग 100 में 100 मार्क्स उठा सकते हो। साइंस में आप लोग कभी नहीं 100 में 100 मार्क्स उठा सकते हो, लेकिन मैथ एक ऐसा कॉन्सेप्ट यदि आपके पास है, मैथ्स का पूरा कॉन्सेप्ट यदि आपके पास है तो मैथ्स में आप 100 में 100 उठा सकते हो। और मैथ तभी अच्छा होगा जब मैथ का पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट रहेगा आपके पास। क्लियर कॉन्सेप्ट रहने के बाद भी आपका मैथ्स जब तक नहीं आपका फास्ट कैलकुलेशन होगा तब तक आप मैथ में अच्छा मार्क्स नहीं ला सकते हो और ना ही मैथ्स में आप कुछ अच्छा कर सकते हो। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, जितने भी हम वीडियो डाल रहे हैं आप लोग प्रतिदिन मेरा वीडियो देखिए। आप लोग का 100% गारंटी देते हैं कि आप लोग का मैथ पानी पानी की तरह हो जाएगा। आप लोग फिर मैथ में इतने हाई लेवल तक सोचने लगोगे कि मत पूछिए, आपका कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग विलंब न करते हुए हम लोग एक जो आज न्यू टॉपिक जो आपके सामने लाए हैं वो आपको दिखाते हैं, क्या आपके लिए नया सरप्राइज टॉपिक है। ऐसा आपको कभी भी मिलेगा कैलकुलेशन करने के लिए तो आप कुछ सेकेंड में कर सकते हो। जैसे हम 1 की सीरीज में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की सीरीज में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फ्यू सेकेंड, मात्र 2 सेकेंड से 3 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 64 का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं 11 11 से तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा, क्विक आंसर आएगा। देखिए कैसे हम आंसर को लाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग देखते रहिए वीडियो को। देखिए क्या बोले हैं, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई जो होगी 1 के सीरीज में होगी, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सपोज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 64, ठीक है। तो 64 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 1, मतलब क्या 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसका मात्र और मात्र जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग को हम दे रहे हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, आराम से वीडियो को देखिएगा, समझ के वीडियो को देखिएगा, इसके बाद देखिएगा आपका इस तरह के क्वेश्चन कभी भी यदि आपके सामने आते हैं तो वो आपका इतना फास्ट बनेगा कि आप कभी उतना फास्ट बनाए नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला बात क्या है, 2 रूल यहाँ पे फॉलो करना है। पहला रूल क्या फॉलो करना है कि यदि आपका यहाँ पे 1 1 है, यदि आपका यहाँ पे 1 1 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 64 लिखेंगे लेकिन उसके बदले में 1 0 पहले बैठाएंगे और 1 0 बाद में बैठाएंगे। क्या बोले, यदि आपका यहाँ पे यदि हमारा 1 1 है तो उसके बदले में 0 0 बैठाएंगे, वो भी कहाँ, दोनों तरफ, 64 के दोनों तरफ। लेकिन अब सेकेंड हमारा रूल क्या है कि यदि आपका यहाँ पे 1 1 है तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, डबल जोड़ा लगाइएगा। सपोज यदि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, 64 का मल्टीप्लाई यदि हम यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे सपोज मान चलिए यहाँ पे 264 है, या फिर 5 5 2 6 4 का हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 मतलब क्या 1111 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस कंडीशन पे क्या कीजिएगा, देखिए हमारा यहाँ पे कितना ट्रिपल, यहाँ पे 1 1 जो है 3 बार है और 3 बार को हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 0 लेंगे, मतलब जितना 1 रहेगा उससे 1 कम लेंगे 0। तो देखिए हमारा यहाँ कितना है, 3 है, तो 3 के बदले में कितना 0 लेंगे, 2 0 लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 5 2 6 4 मतलब क्या 3 0 है तो 0 0, एक यहाँ पे लेंगे, एक यहाँ पे लेंगे, एक यहाँ पे लेंगे और एक यहाँ पे लेंगे, मतलब क्या 2 0 उधर बैठाएंगे, 2 0 इधर बैठाएंगे। उसी तरह यहाँ पे क्या किए, हमारा यहाँ पे 1 1 है तो 1 0 हम यहाँ बैठाए और 1 0 यहाँ बैठाए, मतलब क्या जितना यहाँ पे संख्या रहेगा उससे 1 कम लेना है आपको 0, लेकिन दोनों तरफ बैठाना है आपको, ठीक है। तो चलिए हम इसका कैलकुलेशन आपको करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका कैलकुलेशन क्या है, देखिए अब हम यहाँ पे क्या किए, हमारा यहाँ पे क्या था 1 1 था, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डबल जोड़ा पे लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 4 प्लस 0 को ऐड करेंगे, तो 4 प्लस 0 कितना होता है हमारा, 4 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे, ठीक है।
फिर अब जब हमारा ये काम वगैरह खत्म हो गया तो हम इसमें इसको ऐड करेंगे, मतलब क्या 6 + 4 को ऐड करेंगे, तो 6 + 4 कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे, हैंड में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब ये आपका 1 हैंड में रहेगा। अब हम किसको ऐड करेंगे, अब हमारा ऐड हो जाएगा 0 और 6 को, तो 0 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 6 का ऐड हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, लेकिन हमारा हैंड क्या, हैंड में 1 था, तो 6 + 1 ये हमारा हैंड वाला है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये हमारा रहा 7, मतलब क्या 64 का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं 11 11 से, मतलब क्या 11 से, तो हमारा क्या हो जाएगा 704 आंसर आएगा। देखिए हमारा इसमें अभी क्या है, आप लोग को प्रोसेस बताया इसीलिए इसमें इतना टाइम लग रहा है, लेकिन देखिए इसी का यदि हम लॉन्ग प्रोसेस तो आप लोग यदि बताते हैं, सपोज यहाँ पे हम क्या करते हैं 64 का मल्टीप्लाई 11 से करते हैं, तो देखिए कितना आएगा 4 1 = 4 हो जाएगा, फिर 6 1 = 6 हो जाएगा, फिर देखिए यहाँ पे 4 1 = 4 हो जाएगा, फिर 6 1 = 6 हो जाएगा, देखिए 4 हो गया हमारा, 6 और 4 10 हो गया, 10 का 0 हो गया, हैंड में कितना बचा 1 बचा, 6 और 1 कितना हो गया 7। देखिए हमारा यहाँ का जो सॉल्यूशन है और यहाँ का सॉल्यूशन है दोनों सेम है, लेकिन देखिए ये आपका लॉन्ग प्रोसेस से है, ये जो है आपका लॉन्ग प्रोसेस है और ये हमारा क्या है शॉर्ट प्रोसेस है, तो ये इस प्रोसेस को आप अपनाइएगा तो आपका कैलकुलेशन काफी फास्ट होगा। देखिए हम आपके सामने सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए कितना इजी है इस सॉल्यूशन को करना, सिर्फ आपको समझने का देरी है। इसके बाद आपके पास यदि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो आप उस चीज को क्या कीजिएगा फास्ट बना सकते हो। जैसे हम यहाँ पे क्या लेंगे, सपोज 54 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम क्या बोले अभी हमारा क्या है 11 है, तो 11 के बदले में कितना जीरो बैठाएंगे, सिंगल जीरो लेकिन दोनों तरफ। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं 5 4 फिर यहाँ पे क्या करें, एक जीरो इधर बैठाएंगे, एक जीरो इधर बैठाएंगे, अब क्या बोले 2 हमारा 1 1 था ना, मतलब क्या जोड़ा हमारा डबल लगेगा, मतलब क्या पहले हम इसको करेंगे, इससे हम पहले ऐड करेंगे, मतलब क्या 4 + 0 तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 लिख देंगे। अब फिर जब हमारा इसका काम खत्म हो गया तो हम किसमें ऐड करेंगे, 5 और 4 को ऐड करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 5 + 4 तो हमारा कितना आ गया 9, और ये हमारा यहाँ हो जाएगा 9। अब जब हमारा यहाँ पे काम खत्म हो गया तब हम किसको ऐड करेंगे 0 + 5 ये कितना हो जाएगा, 0 + 5 को ऐड करेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, तो हमारा ये 5 हो गया, और ये रहा आपका आंसर। कितना इजी ट्रिक है, ऐसा आप लोग कभी देखे नहीं होंगे, इसीलिए आप लोग के सामने हम ऐसे ऐसे वीडियो को ला रहे हैं ताकि आप लोग का मैथ्स में एक अच्छा मुकाम पर पहुंच सके मैथ के विषय में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा है कि मैथ को देखते ही डर जाते हैं, कैलकुलेशन करना ही छोड़ देते हैं, वही जो लोग कैलकुलेशन करना छोड़ दे रहे हैं उन्हीं के लिए हम क्या कर रहे हैं ऐसे ऐसे वीडियो को ला रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल का हम ऊंचा कर रहे हैं ताकि हमारा वीडियो देखे और उनका मैथ्स का जो लेवल है थोड़ा सा हाई हो। तो चलिए इसका हम एक फास्ट कैलकुलेशन आपके सामने हम करके दिखाते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या लेते हैं, मान के लिए 75 लेते हैं, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 11 11 से, क्या करेंगे 75 इधर जीरो डालेंगे, इधर जीरो डालेंगे, 5 और 0 को ऐड करेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, फिर इसमें क्या होगा 7 और 5 का मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो 7 और 5 12 हो जाएगा, 12 का 2 लिखेंगे, हैंड में 1 हो जाएगा, 0 और 7 को ऐड करेंगे तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए कितना फास्ट है हमारा आंसर, आपको उम्मीद दिला रहे हैं, हमारा जितना भी वीडियो जो पड़ा हुआ है मैथ्स प्लेटफॉर्म के चैनल पे आप लोग जाके वहां पे देखिए, देखने के बाद आप लोग के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप लोग मैथ को देखते ही सीधा कोई सब्जेक्ट को देखिएगा ना देखिएगा, सबसे पहले आप मैथ्स के क्वेश्चन को खोजिएगा और बोलिएगा सबसे पहले हमको मैथ्स बनाना है, और मैथ तभी अच्छा हो सकता है जब आपका फास्ट कैलकुलेशन हो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलिए ये हमारा ये हो गया 2 डिजिट का हो गया, अब हम इसमें क्या करते हैं आपको 3 डिजिट का करके दिखाते हैं, क्योंकि आप लोग हो सकता है मन में बैठा के रखे हो कि सिर्फ सर तो 2 डिजिट का बता रहे हैं, लेकिन आपको उम्मीद दिला रहे हैं अभी आपको 3 डिजिट का भी करके दिखाएंगे और आपका यही सेम वैसे होगा। देखिए जैसे हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 2 5 4 लिखे, अब हमको इसमें मल्टीप्लाई करना है 1 1 1, अभी हम क्या बोले जितना 1 1 रहेगा उसे क्या करना है एक कम जीरो लेना है, लेकिन दोनों तरफ लेना है, तो 3 1 1 है तो 2 0 लेंगे, मतलब क्या 2 5 4 इधर भी 00 बैठाएंगे और इधर भी हम 00 बैठाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हमारा यहाँ पे 111 था ना, तो अब 3 3 का जोड़ा लेंगे, मतलब क्या ये हमारा 3 का जोड़ा हो जाएगा, क्या करेंगे 4 + 0 + 0 मतलब कितना हो जाएगा 4, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे
फोर लिख देंगे। फिर देखिए जब हमारे यहाँ पे तीन का जोड़ा खत्म हो गया, अब हम किसका लेंगे, फाइव प्लस फोर प्लस फाइव प्लस फोर प्लस जीरो, मतलब कितना आ गया, फाइव प्लस फोर नाइन, नाइन प्लस जीरो नाइन, ये हमारा कितना आ गया, नाइन आ गया। अब जब हमारे यहाँ पे खत्म हो गया, अब हम इस तीनों का ऐड करेंगे, मतलब क्या, टू प्लस फाइव प्लस फोर, कितना हो गया, फाइव और टू सेवन, सेवन और फोर इलेवन, इलेवन जब यहाँ पे हमारा आ गया तो इलेवन का वन लेंगे और जो वन है वो हमारा हैंड में हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, वन हमारा हैंड में हो गया, अब हम किसका करेंगे ऐड, ये तीनों का करेंगे, मतलब क्या, जीरो प्लस टू प्लस फाइव, तो फाइव प्लस टू कितना हो गया हमारा, सेवन हो गया और वन हमारा हैंड में था, मतलब कितना हो गया हमारा, एट हो गया। जब हमारा इतना हो गया तब हम क्या करेंगे, अब इसको इससे तीनों को ऐड करेंगे, तो देखिए हमारा कितना हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो प्लस टू, तो ये हमारा कितना हो गया, सबको ऐड करेंगे तो हमारा टू हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया टू हो गया। अब जब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, तीन का जो हम लोग ले रहे थे कॉम्बिनेशन जो ले रहे थे, तीनों हमारा खत्म हो गया। अब देखिए इसका हम लॉन्ग प्रोसेस आपको करके दिखाते हैं, टू फाइव फोर वन वन वन, देखिए कितना लंबा जा रहा है, तो फोर वन जा फोर, फाइव वन जा फाइव, फिर टू वन जा टू हो जाएगा, फिर फोर वन जा फोर हो जाएगा, फिर फाइव वन जा फाइव हो जाएगा, फिर टू वन जा टू हो जाएगा, फिर आपका कितना हो जाएगा, फोर, फिर फाइव, फिर आपका टू, देखिए फोर हो गया, फाइव और फोर कितना हो गया, नाइन हो गया, फाइव और टू सेवन, सेवन और फोर इलेवन, इलेवन का वन हो गया, हैंड में आपका वन बचा, फाइव और टू सेवन, सेवन और वन कितना हो गया, एट हो गया, और ये हमारा टू हो गया। देखिए यहाँ पे टू एट वन नाइन फोर, टू एट वन नाइन फोर, देखिए यहाँ का प्रोसेस कितना लंबा है और यहाँ का प्रोसेस कितना शॉर्ट है। तो यही है मैथ्स में, यदि आपको अच्छा मार्क्स लाना है, अच्छा हासिल प्राप्त करना है मैथ्स में, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो हमारे वीडियो को देखते रहिए। यदि आपको हमारा वीडियो, यदि इस तरह का प्रोसेस यदि आपको पसंद आ रहा है, तो तुरंत अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो नए हैं, और ये अपने मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि आपके मित्र भी इस प्रोसेस को जानकर वो खुश होंगे और उनका मैथ का जो कॉन्फिडेंस है काफी हाई हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पे इस तरह के जितने भी वीडियो आएंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। चलिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।